बिहार में जहां एक तरफ ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ आरक्षण और अपने हिस्सेदारी की मांग को लेकर रणविजय साहू के नेतृत्व में अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पटना के विद्यापति भवन में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें 113 जातियों के सदस्यों ने हिस्सा लिया है और भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी पहुंची है। इनका कहना है कि इनकी आबादी करीब 44% है, लेकिन इन्हें महज आरक्षण के 17% के आरक्षण के दायरे में उन्हें बांध कर रखा गया है। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया जी के कथनों को याद दिलाते हुए ये समाज अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने की बात कर रहा है। उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी। जातीय जनगणना पर अति पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों, राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए आरक्षण का कोटा 18% से बढ़ाकर 25% करने की मांग इस संघर्ष मोर्चा की प्राथमिकता रही है। इसके अलावा उन्होंने देश की लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में भी अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की मांग की है। साथ ही जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की भी घोषणा केंद्र सरकार से ये मोर्चा करवाना चाहती है। रणविजय साहू ने कहा है कि जिस तरीके से अति पिछड़ा समाज की संख्या है, उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है, ऐसे में वो सरकार से मांग रखते हैं कि आरक्षण को 18% के दायरे से बढ़ाकर 25% किया जाए। इस मौके पर पूरे बिहार के विभिन्न जिलों से अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के बैनर के नीचे हुए इस सम्मेलन में तमाम लोग पहुंचे, हर जाति के लोग पहुंचे, और ऐसा कहा जा रहा है कि 113 जातियों के लोग इस सम्मेलन में शामिल हुए। यह सम्मेलन पटना के विद्यापति भवन में 29 सितंबर को किया गया है। सुनिए क्या कह रहे हैं इस विषय में रणविजय साहू। अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा की ओर से आज बिहार भर के तमाम अति पिछड़ा जाति की 113 जातियां का जुटान हुआ है और सभी प्रबुद्ध और प्रतिनिधि लोग पहुंचे हैं और हम लोगों ने एक निर्णय लिया है, लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया है। हम आपके माध्यम से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने देश के पहला ऐसे राज्य है, पहला ऐसे मुख्यमंत्री हैं जहां की जातीय जनगणना अपने खर्चे पर कराने का काम किया। पहले हम जो बोलते थे, हम कहते थे कि हमारी आबादी इतनी है, अब यह कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, अखबार में दिखेगा। यानी हमारी मांग है कि जनगणना के अनुसार हमारा अति पिछड़ा समाज का जो कोटा है उसको बढ़ाया जाए। हमारी मांग है जिस प्रकार से बिहार में गुदरी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ी समाज को, अति पिछड़ी जातियां को आगे बढ़ाने के लिए इस कमीशन का गठन किया, उसी प्रकार से केंद्र सरकार भी, सेंट्रल सरकार भी ईबीसी कमीशन को गठित करे ताकि हमारे समाज के बच्चों को लाभ मिले। हमारी मांग है गुदरी के लाल, झोपड़ी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए कई बार विधानमंडल से केंद्र सरकार को प्रस्ताव गया, लेकिन आज तक केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। तो हमारी मांग है कि यह पूरा हो और हम लोग आने वाला समय में पटना में एक बड़ी रैली करेंगे, पूरी जुटान होगा और उसमें मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को हम लोग अतिथि के तौर पर बुलाएंगे ताकि हमारा जो अधिकार है, हमारी जो आबादी है वो हमको मिल सके, राजनीतिक सामाजिक भागीदारी हो, इसके लिए हम एकजुट हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाश वाणी। जैसा कि त्योहारों का सीजन चल रहा है और हर कोई चाहता है कि उनके दुकान पर ज्यादा ग्राहक आए, उनका बिजनेस बढ़े, क्योंकि ये जो 3-4 महीने हैं लगन होगा, उसके त्योहारों के बाद लगन आएगा और जम के लोग शॉपिंग करेंगे। तो इस मौके पर अगर आप चाहते हैं कि हम आपके दुकान, आपके ब्रांड का प्रचार कर दें, लोगों तक पहुँचा दें, हमारी व्यूअरशिप है, पिछले महीने हमने 10,01,000 लोगों तक अपनी चैनल को पहुंचाया है, अपने वीडियोज को पहुंचाया है, वैसे भी 5-6 लाख व्यूअर हमारे पास हर महीने हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि प्रकाश वाणी आपका प्रचार करे, आपके दुकान, आपके ब्रांड को लाखों दर्शकों तक पहुंचाए, तो हमसे संपर्क कीजिए। त्योहारों का सीजन है, कहीं देर ना हो जाए। प्रकाश वाणी से प्रचार करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। जरूरी हमारे साथ देखते रहिए प्रकाश वाणी। धन्यवाद।